CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया,
तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम देख हटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना, जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया, भयभीत सी वो बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो? मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वो बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है,
दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? हाँ? मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं। पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। चिड़िया, तो मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूं। तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। वो सोना क्या चीज होती है? तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रे चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं? मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं,
तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी मां है, पर मां क्या है? इस बहार के सामने तेरी मां क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो। ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वो चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ, मुझे देर हो रही है। देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे। जी मालिक। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। हाथ से निकल गई।
नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। चिड़िया की बच्ची। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन प्रमोद कुमार दुबे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख जैनेन्द्र कुमार, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर, ममता मलकानी और रेखा पाठक, तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े, ध्वनिंकन अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।